दोस्तों ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल क्रोम ब्राउज़र में स्पेसिफिक वेबसाइट को, जो आपकी फेवरेट वेबसाइट है या आप बार बार उस वेबसाइट को यूज़ करते हैं। जब भी आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं तो आप उस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी उसको सेट कर सकते हैं। जब भी आप अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो आप जो वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हैं वही डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल है। शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा, आपने अभी तक ई हिंदी उर्दू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ई हिंदी उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप राइट साइड में 3 लाइन्स हैं, 3 डॉट्स हैं, उसके ऊपर क्लिक कीजिए सेटिंग्स में। उसके बाद जस्ट सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन सेट अप में 3 ऑप्शंस है आपके पास, ओपन ए स्पेसिफिक पेज और सेट ए पेजेस। जस्ट सेट पेजेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप जो ओपन करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट आप जो गूगल क्रोम ओपन करते ही आप जो वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हैं आप वो एंटर कीजिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंटर कर रहा हूँ www.google.com। मैं गूगल पेज ओपन करना चाह रहा हूँ, उसके बाद जस्ट इंटर पे हिट कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपकी जो वेबसाइट है वो सेट हो गई है। अब जब भी आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आप जो वेबसाइट सेट करे थे वही वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट गूगल ओपन हो गया है। इसी तरह आप इजीली गूगल क्रोम ब्राउज़र में स्पेसिफिक वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं इजीली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप ई हिंदी उर्दू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो प्लीज़ ई हिंदी उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी